महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अंतर्गत दिग्विजय नाथ एलजी प्रशिक्षण महाविद्यालय में नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल इंडिया विषय पर अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में दिग्विजय नाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनिता सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षक संस्थापक समारोह के अंतर्गत 4 दिसंबर से ही अलग अलग प्रतियोगिताएं चल रही हैं। शुक्रवार को अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे अपने अपने भाषण की प्रस्तुति कर रहे हैं, जिसमें माध्यमिक विद्यालय के 72 बच्चे, कनिष्क वर्ग में 60 छात्रों ने भाग लिया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया पर भाषण दे रहे हैं। इन सभी छात्रों को 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनिता सिंह ने कहा, डॉक्टर अनिता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिग्विजय नाथ एलटी ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ पर इंग्लिश स्पीच कंपटीशन है आज 4 दिसंबर से, ये हमारा पूरा वीक होता है 10 दिसंबर तक, संस्थापक दिवस है, पूरा सप्ताह हम इसको मनाते हैं। ये हम लोगों के लिए उत्सव नहीं, महोत्सव है। और आज यहाँ पर इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में माध्यमिक वर्ग, कनिष्ठ वर्ग के जो प्रतिभागी हैं उन्होंने प्रतिभाग किया है। माध्यमिक वर्ग में 72 पार्टिसिपेंट्स हैं और कनिष्ठ वर्ग में नियर अबाउट 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं थैंक्स करना चाहूँगी शिक्षा परिषद का, जिन्होंने इतने अच्छे टॉपिक को चूज़ किया है। और जो हमारे ये पार्टिसिपेंट्स हैं, वेरी करेजियस पार्टिसिपेंट्स, आई एम थैंकफुल। एंड टॉपिक ऑफ द कनिष्ठ वर्ग इज़ आत्मनिर्भर भारत एंड माध्यमिक वर्ग टॉपिक इज़ साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल इंडिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स ऑल द टीम।